बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स डॉक्टर रामस्वरूप साहू। आज अपन ये करते हैं कि ये निश्चितता का पालन करता है कि नहीं करता है, तो जो पूर्व वीडियो दिखाया था उसी के करस्पॉन्डिंग ये वाली आपको मैं बात करवाना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि हल करना चाहते हैं तो ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ई डैश स्क्वायर का तो ई डैश स्क्वायर रख दिया और पी के तीनों वेक्टर्स रख दिया और सी स्क्वायर, और हमारे पास में फोर मोमेंटम के रूपांतरण समीकरण है जो ये है कि पी एक्स यानी कि ये डैश है यहाँ नीचे की ओर लगाया, कोई बात नहीं जैसा प्रिंट करवाता है कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज कुछ किताबें ये भी लिख सकती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गामा पी एक्स और आपके पास में ये पी एक्स नीचे की ओर है और बीटा और ई बाई सी और आपके पास में पी वाई डैश और पी वाई पी जेड एस और पी जेड और ई डैश अपॉन सी गामा ई बाई सी माइनस बीटा पी एक्स यानी कि बीटा इज इक्वल टू वी बाई सी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एस डैश फ्रेम गतिमान है और बीटा इंटू सी इज इक्वल टू वी यानी कि ये वी है जो कॉन्स्टेंट है वो जो रेफरेंस फ्रेम है जो मूविंग है एक्स डायरेक्शन में। उपरोक्त समीकरणों का उपयोग करने पर तो आपके पास में देखो गामा का वर्ग हो जाएगा फर्स्ट में यानी कि यहाँ जो ये जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है इस स्ट्रक्चर के लिए क्या किया कि ई डैश का भी वेक्टर लिख दिया मैंने, देखो ई डैश का वेक्टर ये है मेरे पास सीधे चला जाएगा, फिर मैंने क्या किया यानी कि पी एक्स का भी लिख दिया तो पी एक्स डैश वाला भी लिख दिया, ये पूरा का पूरा वेक्टर लिख दिया और दूसरे ये दो तो वैसे के वैसे ही लिख दिए और इनके करस्पॉन्डिंग टू आपके पास में सी स्क्वायर बाहर की ओर तो सी स्क्वायर बाहर की ओर कर दिया, ये तीन वेक्टर वाला तो इसका और ये पहला इसका। इस पूरे समीकरण को आप सोल्व करेंगे, इसको भी आप पूरा सोल्व करेंगे तो यहां क्या मिलेगा आपको, यहां ये मिलेगा कि ये जो गामा कॉन्स्टेंट वाला फैक्टर है वो आएगा और गामा कॉन्स्टेंट का बिना यू लगा हुआ केवल जो आपके पास में गामा है वो तो ये वाला है, तो ये है जो इसके अंदर ये कैंसिल होंगे तो ये आपके पास ई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर ब्रैकेट बंद और सी स्क्वायर, अर्थात ये आपके पास इक्वल आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि एस डैश फ्रेम और एस फ्रेम यानी कि एस डैश और एस फ्रेम के अंदर ये जो समीकरण है वह निश्चित रहता है या ये क्या कहता है इनवेरियंट रहता है, ये एक ऐसी राशि है जो इनवेरियंट रहती है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पास में जो रेस्ट मास है जो रेस्ट मास है वापस देख लीजिए ये मान मैंने रखे, इस समीकरण को आप सोल्व करेंगे इसको सोल्व करेंगे और ई स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई जेड स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर ब्रैकेट वन सी स्क्वायर, और यहाँ जो गामा फैक्टर्स हैं उसके लिए मैंने कहा कि कॉन्स्टेंट वाला आपके पास में वेग है उसके लिए वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और गामा स्क्वायर बिना यू वाला है इसलिए इसी का फैक्टर है रूट वाला यानी कि वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाला, तो ये वन के करस्पॉन्डिंग आएगा तो ये आपको क्या मिला ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एस डैश फ्रेम का है ये एस फ्रेम का सॉरी और ये एस डैश का है, तो ये कह रहा है कि ये आपके पास में लोरेंज रूपांतरण किसके लिए मोमेंटम के, अगर मोमेंटम के आपने फोर वेक्टर मिनकोवास के स्पेस में भी बना लिए तो इसको हमने कहा कि ये लोरेंज रूपांतरण के रूप में ही कार्य करेंगे फोर वेक्टर के रूप में और निश्चितता का पालन करेंगे अर्थात इनवेरियंट होंगे। यहां मैं क्या कहना चाहता था मैं वापस बोलना चाहता हूं पहले दिख नहीं रहता इसलिए क्योंकि इस तरीके की राशियां जो अगर इनवेरियंट है तो ये दोनों की दोनों राशियां किसके बराबर है यानी कि ये दोनों की दोनों राशियां हैं जो हमारे पास में है एम जीरो स्क्वायर सी फोर के बराबर, अर्थात एम जीरो है जो क्या है एक ऐसी राशि है जो आपके पास में मूलभूत गुण है उसका और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके करस्पॉन्डिंग भी वो है उसके करस्पॉन्डिंग उसका मान है जो एम जीरो है, एम जीरो राशि का मान है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण नहीं बदलेगा केवल और केवल गति के कारण बदलेगा और गति के कारण बदलेगा उसको कैसे लिखते हैं एम जीरो अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर या यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यानी कि ये जो भी जैसा भी कण गतिमान है उसका वेलोसिटी होगी उसके अनुसार वह बदलेगा अदरवाइज आपके पास में एम जीरो नहीं बदलेगा गतिमान नहीं है। तो हमने यहां जो बात करी है वो बात ये करी है कि फोर मोमेंटम है फोर मोमेंटम के हमने क्या करा इनवेरियंसी चेक की तो हमारे को क्या मिला यानी कि ये वाला मिला और इसके लिए हमने पहले वाले वीडियो में जो प्रूव किया था वो क्या आता है यानी कि वो ये आता है जो आपने पहले के वीडियो में नहीं देखा है तो ये देख लीजिए ये आता है माइनस एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर, ये निश्चितता का पालन करता है यानी कि ये करता है समेशन वन टू म्यू इक्वल टू वन टू फोर और पी म्यू और स्क्वायर यानी फोर वेक्टर के मोमेंटम का एक प्रकार से इसको हम ये कह सकते हैं कि वर्ग को लिया जाए तो वह ये राशि आती है और ये की ये राशि है जो क्या करस्पॉन्डिंग टू वन टू म्यू, आपके इसमें एग्जाम्पल में और होगी तो मैं और वीडियो बनाऊंगा तब दिखा दूंगा डैश, इन दोनों के लिए ये आती है।
तो ये इस प्रकार की चीज है जिसको आपको हल करना है और सीखना है। धन्यवाद।